हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बूवो ब्लांक रिडक्शन। ठीक है, हम लोग रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन पढ़ के आए थे और उसमें मैकेनिज्म NIPD-PTC से और LiLH4 NaBH4 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एसिड हैलाइड, ठीक है, इन तीनों का हमने रिडक्शन पढ़ा था LiLH4 और NIPD-PTC से। NaBH4 करते नहीं है इसका रिडक्शन। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म समझी थी हम लोगों ने। ठीक है, और ये भी बताया था कि अमाइड जो है RCONH2 अमाइड जो है वो क्यों रिडक्शन शो नहीं करता इतना इजीली। समझ में आ गई। आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन की थर्ड, जो रिडक्शन का ये थर्ड वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। एल्कोहल फॉर्मेशन की जो मेथड्स है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो रिडक्शन जो है उसका थर्ड ये है, बूवो ब्लांक रिडक्शन। उसके बाद रिडक्शन हमारा कंप्लीट। ठीक है, देखिए होता क्या है बूवो ब्लांक रिडक्शन। दो साइंटिस्ट थे, बूवो ब्लांक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने से बोला रिडक्शन, इसलिए इसका नाम 1906 में ये जो रिडक्शन थी उन्होंने बूवो ब्लांक ने दी थी, ये 1906। ठीक है, अब देखिए आप लोग होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो किस किस का रिडक्शन होता है इसके थ्रू। सबसे पहली बात, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो सकता है इससे, कीटोन का हो सकता है इसके थ्रू, एंड एस्टर। ठीक है, ये तीनों जो है ये रिड्यूस हो सकते हैं किसके द्वारा, बूवो ब्लांक रिडक्शन के द्वारा। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको पहले ही समझा चुके हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही लीचड़ है। ठीक है, मार मार के आप इसका रिडक्शन करवाते हो तो करता है, फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने, तो इसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो केवल LiLH4 जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है वही इसका कर पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का करेगा और एस्टर का करेगा। ठीक है, तीनों का रिडक्शन करेगा और तीनों से ही एल्कोहल फॉर्म होगा। तीनों से ही क्या होगा, एल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है, जिसमें अगर बात करें एल्डिहाइड की तो इस ये 1 डिग्री एल्कोहल बना सकता है। बात करें कीटोन की तो 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होता है। बात करें एस्टर की तो 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों बन जाते हैं, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनता रिडक्शन के थ्रू। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये तो पता चल गया रिडक्शन होना किसका है, इनका होना है। बनेगा क्या, एल्कोहल बनेगा। होना किसका है, इन तीनों का। बनेगा क्या, एल्कोहल। बट रीएजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें हम इसके अंदर, तो वो मैं आपको, हालांकि मैंने पिछले बार ही बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में हमने चार्ट जो पढ़ा था चार्ट में समझा दिया था, बट एक बार और देख लो। सोडियम प्लस इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या फॉर्मूला है इथेनॉल का, C2H5OH। तो सोडियम इथेनॉल के द्वारा होगा, इथेनॉल की जगह हम, इस इथेनॉल की जगह हम एन ब्यूटेनॉल भी ले सकते हैं। इस इथेनॉल की जगह हम एन ब्यूटेनॉल भी ले सकते हैं, सोडियम प्लस ब्यूटेनॉल। क्लियर, यहां तक आपको मैंने एन, आइसो, नियो, टर्शरी, ये सबका मैंने ट्रिक आपको समझाया था एल्कोहल वाली वीडियो में, वहां से आप लोग देख लेना, है ना। सोडियम इथेनॉल या सोडियम एन ब्यूटेनॉल, ये हमारा क्या रहेगा, रिएजेंट रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट पता चल गया एल्कोहल, रिएक्टेंट पता चल गया एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, रिएजेंट पता चल गया ये। ठीक है, और रिएक्टेंट और रिएजेंट में डिफरेंस नहीं पता तो GOC ये फर्स्ट वीडियो में जाके देखना। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब देखो कैसे जो रिएक्शन है, रिडक्शन है, वो कैसे होता है देखना एक बार। आप लोगों को वैसे मैंने पिछले बहुत समझा के आ चुकी हूँ, आप लोग आगे आगे चलिएगा फटाफट। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपको हर बार ही बताई है। ठीक है, जब भी मैंने रिडक्शन का टॉपिक आपको समझाया है, ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आता है, R क्या बनता है, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब मैं फास्टली चल रही हूँ क्योंकि पिछले दो वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ें। ठीक है, अगर एक कीटोन की बात करें तो कीटोन का फॉर्मूला क्या है, RCOR। क्लियर, अगर मैं रिएजेंट लूंगी यहाँ पे तो NaC2H5OH। एक चीज और बताना भूल गई, अभी बताती हूँ मैं। देखिए क्या होता है, इसमें भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा H एंड H, क्या बनेगा, RCR। C पे H है, सिंगल बॉन्ड OH है, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और एस्टर की बात करें तो RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर, ये रिएजेंट सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है यहाँ पे H और H आता है, और एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है और H और H। ठीक है, मैं जल्दी चल रही हूँ यहाँ पे फास्टली, इसलिए क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ पहले आप लोग को। ठीक है,
क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस के अंदर ROH बनेगा, ठीक है, RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर। तो ये तो बनाना हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है, एक बार मैंने फटाफट समझा दिया क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इसको पहले। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है अल्कोहल बनाने की। अब देखेंगे अल्कोहल बनाने की बूबो ब्लांक रिडक्शन से, अब देखेंगे हम लोग इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि वो डिफरेंट है, ये चीज़ें तो सब में सेम है, मैकेनिज्म इसकी डिफरेंट है, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे देखते हैं, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, जो NaC2H5OH है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म करता है। कौन सी मैकेनिज्म करता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसके अंदर। जैसे LiLH4 और NaBH4 में हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, इसी तरह इसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होता है, ठीक है, हाइड्राइड क्यों नहीं हुआ, देखिए मेरे पास क्या है, Na है, क्या है, Na है, और Na क्या 11 होता है इसका, ठीक है, नंबर इसका बोलो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, हो गए क्या 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 10 एंड 11, ठीक है। आपको पता अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो 8 अष्टक पूरा, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो क्या करेगा, चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, ये चाहेगा, उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की कोशिश करता रहेगा, समझ में आ गई। तो कैसी मैकेनिज्म होती है ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास, ठीक, एक्स्ट्रा से मतलब अष्टक से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है अगर समझ लोगे तो, अदरवाइज तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी रिएक्शन है और समझ में नहीं आ रही क्या है, लेकिन अगर आप स्टेप समझ लोगे तो इजीली कर दोगे उसको, ठीक है। मान लीजिए आपको इस तरह से भी दे दे, तब भी आप समझ जाना कि बूवो ब्लांक रिडक्शन है, क्यों, इलेक्ट्रॉन मतलब Na, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब बूवो ब्लांक, ठीक है, बूवो ब्लांक में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और H प्लस मतलब C2H5OH, ठीक है ना, यहां से H प्लस मिलेगा, ठीक है, मतलब समझ जाना आप लोग इलेक्ट्रॉन मिलते ही कि आप लोगों को क्या करना है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है आपको बूवो ब्लांक रिडक्शन के थ्रू, समझ में आ गई मेरी बात। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगी, देखिए मैं ले रही हूँ CH3, थोड़ा सा लंबी मैकेनिज्म है, ध्यान से समझना, CH3 C डबल बॉन्ड O H, देखिए ध्यान दीजिए क्या आएगा, सबसे पहले Na आएगा, मेरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, NaC2H5OH, यही दो चीज़ें मेरे पास, ठीक है, इसी जगह मैं ब्यूटेनॉल भी ले सकती हूँ, ठीक है, सबसे पहले ये Na आएगा, ठीक है, और Na अपना फटाफट से करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब समझाया था ना मैंने आपको, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब समझाया था ना मैंने आपको, क्या होता है, बीच में से बॉन्ड ब्रेक होता है, बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी देखिए यहां पे लिखती हूं, बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड तो ब्रेक है, और बीच में से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का ही खेल है इसके अंदर, इसलिए ध्यान से समझना इलेक्ट्रॉन्स को, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, यहां तक बात समझ में आ गई, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है। अब सोडियम भी फिराक में बैठा हुआ है, किसकी फिराक में बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन देने की फिराक में बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है ऑक्टेट से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास सोडियम दे रहा है, ये सोडियम है जो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ना, और ये मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो Na है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन होते ही ये माइनस चार्ज हो गया, दो इलेक्ट्रॉन होते ही कौन सा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहां पे क्या लिखोगे इसको, CH3CH माइनस और O, एक बार वापस देख लो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे बना, देखिए CH3CHO, ये बॉन्ड ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्लियर। अब सोडियम जो है बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और देगा इसको, ये कार्बन को दे दी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, हटाओ इसको, इलेक्ट्रॉन देखिए भरे ये तो, ठीक है, ये लो, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन होते ही नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो ये बन गई स्पीशीज CH3C- H और O, O के पास एक इलेक्ट्रॉन है अभी भी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब आएगा मेरा ये C2H5OH, ठीक है। अब कौन आएगा, C2H5OH, और ये क्या देगा, किस फॉर्म में रहेगा, ध्यान दीजिए यहां पे C2H5O- और H+, ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा, C2H5O- H+। इस O ने H के इलेक्ट्रॉन ले लिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है, इसलिए समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया ना, अगर आपको इस तरह से अगर आपको दे देता है एग्जाम में CH3CHO इलेक्ट्रॉन और H+, ठीक है, उसका मतलब समझना वो ब्लैंक रिडक्शन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब Na और H+ का मतलब C2H5OH, क्योंकि C2H5OH H ही दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है कि ये H+ है, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये H इस पर अटैक कर लेगा, क्या बनेगा, CH3CHO, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, C- पे क्या अटैक होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा H, और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, क्योंकि प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, समझ में आ गई, यहां तक देखो आप मुझे बताओ, थोड़ी लंबी मैकेनिज्म जरूर है बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इजीली समझ में आ जाएगी और कर दोगे मैकेनिज्म को, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले सोडियम आता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, क्यों देता है उसका मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब देखिए आप लोग क्या होगा, वापस से आएगा Na, आया C2H5OH आया, फिर Na आएगा, ठीक है, यही चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस, ठीक है। देखिए आएगा Na, क्या क्या करेगा Na बताओ मुझे, एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है वो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है वो, उसको दिख रहा है कि बेचारे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, देखिए CH3CH2 में लिख दू, CH3CH2 एक साथ लिख दिया है ना, सिंगल बॉन्ड मैंने यही लगा दिया इधर की जगह, ओ ओ पे अब एक इलेक्ट्रॉन पहले ही था, एक और दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन होते ही नेगेटिव चार्ज, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब आएगा अल्टरनेटिव, NaCH2OH, NaCH5OH, Na आ गया, C2H5OH आ गया, Na आ गया, अब किसकी बारी है भाई, C2H5OH की बारी है, C2H5OH किस फॉर्म में रहेगा, C2H5O- और H+, H+ को दिख रहा है यहां माइनस, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, समझ में आ गई, और यही हमारा बन गया एल्कोहल, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी छोटी थी बट कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एसिड हैलाइड की रिएक्शन थोड़ी बड़ी रहेगी, मतलब मैकेनिज्म समझेंगे कैसे रहेगी, ठीक है, यहां तक समझ में आएगी नई बात, ठीक है। दो बार Na आया, दो बार C2H5OH आया, कुछ याद नहीं करना आप लोग को, NaC2H5OH, NaC2H5OH, समझ में आ गई, यही करना है बस, ठीक है। देखिए कुछ प्रॉब्लम हो तो आप देखिए, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट से और इसको देख लो एक बार, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अब एल्डिहाइड का पढ़ लिया, कीटोन का सेम है, बिल्कुल सेम है, एल्डिहाइड कीटोन का बिल्कुल सेम है, क्या डिफरेंस रहेगा कि एल्डिहाइड में RCHO, एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO था जबकि कीटोन का होता है ये, तो H की जगह R लगाते चलना बस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एसिड हैलाइड तीनों का सेम है, ठीक है, तीनों के मैकेनिज्म सेम है, मैं एक ही करवा रही हूं आपको, तीनों की सेम है। सबसे पहले कौन आएगा, Na आएगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का तो होता ही नहीं है इससे, सॉरी एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सिर्फ LiH4 से होता है, सॉरी एस्टर, ठीक है, कौन आ रहा है अब, एस्टर एसिड हैलाइड भी ले सकते थे, एस्टर ले लिया मैंने, ठीक है। Na आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर साथ में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि पहले भी होमोलाइटिक क्लीवेज किया था ना मैंने, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, तो बताओ क्या बनेगा, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ RCOOR, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, समझा देते क्यों है। अब ये Na चलता हुआ आएगा और आपको पता है किसको इलेक्ट्रॉन देता है, वो हमेशा इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, और इसके पास जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन हुए नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो क्या बना, देख लीजिए यहाँ से लिख दीजिए आप लोग RC-, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी बड़ी है, उसकी तो छोटी थी, इसको ध्यान से करना, देखना एक बार, RC-OR और सिंगल बॉन्ड O और ये फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या होगा, क्या आएगा बताओ जल्दी, क्या आएगा, Na के बाद क्या आता है, C2H5OH आता है, ठीक है, क्या होगा, R C,
सी पे कौन जुड़ जाएगा, किस फॉर्म में रहता है ये, इस फॉर्म में रहता है, सी पे जुड़ेगा एच सिंगल बॉन्ड ओ और ओ आर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, या मैंने एच जोड़ दिया और सिंगल, फिर कौन आएगा बताओ, कौन आता है एन ए सी टू एच फाइव ओ एच, सी टू एच फाइव ओ एच के बाद कौन आता है, एन ए आता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, ठीक है, क्या बनेगा आर सी एच ओ आर, और अब की बार इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा वो, ठीक है, और ओ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन के होते यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा, आपको पता है कि एस्टर एसिड हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम रिडक्शन करते हैं तो जो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये कोशिश करेगा, इसको दिख रहा है ओ को कि यहाँ पे अच्छा लीविंग ग्रुप बैठा हुआ है, उसको निकालो पहले, ठीक है, कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये ओ आर, ठीक है। तो ये तुरंत अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ओ आर माइनस की फॉर्म में, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो निकल जाएगा और ओ आर माइनस बना लेगा। यहां तक समझ में आ गया, अब बनेगा आर, ये बात ध्यान रखने वाली थोड़ी सी, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये ओ आर तो निकल ही गया, माइनस ओ आर माइनस, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, क्लियर। अब बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, आराम से कर ही दोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताइए मैंने, बताओ एन ए की बारी आई, फिर सी टू एच फाइव ओ एच की बारी आई, फिर एन ए की बारी आई, ठीक है, अब किसकी बारी है, ठीक है, अब वापस एन ए की बारी है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना था ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप निकालना था, इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे ये किया है, ठीक है। सी टू एच फाइव ओ एच की जगह आना किसको था, सी टू एच फाइव ओ एच को आना था, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, आना किसको था, सी टू एच फाइव ओ एच को आना था, पर उसकी जगह मैंने दूसरा प्रोसेस यहाँ पे कर दिया, क्योंकि मेरा एस्टर एसिड हैलाइड कार्बन एसिड हैलाइड का जो ये प्रोसीजर है उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं, तो पहले इसने लिविंग ग्रुप को चलता कर दिया कि पहले इसको चलता करो, यहाँ तक समझ में आ गई। अब वापस एन ए आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, कहने का मतलब है अब ये एल्डिहाइड और कीटोन का बूवो ब्लांक रिडक्शन हो गया, किसका हो गया, एल्डिहाइड का हो गया मतलब, ठीक है, और एल्डिहाइड का जब बूवो ब्लांक रिडक्शन करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, एन ए आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आया एन ए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर के आया भाई, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये इसको ब्रेक किया ना, बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या बन गया, आर सी एच सिंगल बॉन्ड ओ, ये अब आपको पता है एन ए किसको इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन को देता है, कार्बन पे हो गया माइनस, ठीक है, और ये एज इट इज बना रहा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, सी माइनस, अब एन ए के बाद कौन आएगा, सी टू एच फाइव ओ एच आएगा, कौन आएगा, सी टू एच फाइव ओ एच, ठीक है, क्या करेगा, एच प्लस की फॉर्म है ये, सी टू एच फाइव ओ माइनस की फॉर्म है, और ये एच प्लस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और दे करके क्या बना लेगा, आर सी एच ओ, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद एच, ठीक है, और क्या बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर सी टू एच फाइव ओ माइनस, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, सी टू एच फाइव ओ एच माइनस का क्या होगा, क्या होगा इसका, ये सी टू एच फाइव ओ माइनस है, ये सी टू एच फाइव ओ एच ओ सॉरी ओ माइनस है, अब किससे अट्रैक्ट होगा बताओ, सोच के बताओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ऐसी रिएक्शन सॉल्व होती है। देखो यहाँ पे एन ए दिख रहा है ना आपको, ये एन ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एन ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी भी स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे एन ए जो है उसके मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, 11 इलेक्ट्रॉन थे पहले, एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो कितने रह गए, अब 10 रह गए, तो एन ए के ऊपर कौन से चार्ज आएगा, एन ए पॉजिटिव, तभी तो एन ए जो है एन ए प्लस का, एन ए प्लस का अष्टक पूरा रहता है, इसलिए एन ए प्लस की फॉर्म में ज़्यादा रहता है, रहना पसंद करता है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ये एन ए प्लस और ये सी टू एच फाइव ओ ओ माइनस ये बना लेंगे एन सी टू एच फाइव ओ एन ए, समझ में आ गई, ये होगा इसका और इसका, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर आता है एन ए, फिर एन ए की बारी आती है इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करके चला जाता है वापस से एन ए प्लस की फॉर्म में बाहर, ठीक है, आर सी एच टू, आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ, ओ पे आ रहा है माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, अब हो गया माइनस, ठीक है। वापस कौन आएगा बताओ, कौन आएगा, किसकी बारी है अब, सी टू एच फाइव ओ एच की, किस फॉर्म में रहता है ये, ओ माइनस एच प्लस, क्लियर। अब ये एच प्लस यहाँ जुड़ेगा और बनेगा आर सी एच टू ओ एच, समझ में आ गई मेरी बात, बन गया एल्कोहल और बनाना था एल्कोहल, समझ में आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग,
एक चीज कि ये थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है ना, तो क्या करना है एक बार मैं आपको बताती हूँ, वापस से रिवाइज हो जाएगा। देखिए एस्ट्रेलिया, सबसे पहले आपको पता सोडियम ही आता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, आ गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, और आपको पता है किसको इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन पे आता है माइनस। जैसे ही कार्बन पे माइनस आता है, एन ए के बाद बारी आती है C2H5OH की, C2H5OH इस फॉर्म में आया और H इसको दे दिया, क्लियर। फिर आपको पता है C2H5OH के बाद किसकी बारी है, एन ए की बारी है, एन ए आया, ठीक है, एन ए आया इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कार्बन को देने के बाद एन ए किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है, पहले कार्बन को फिर ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को दे दी इसने, ओ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पर आया, ठीक है, इसको अगर अच्छा लिविंग ग्रुप दिखेगा तब तो ये लिविंग ग्रुप को निकालने की कोशिश करेगा, और अगर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं दिखेगा तो लिविंग ग्रुप को नहीं निकालेगा। लेकिन इसको दिख रहा है कि लिविंग ग्रुप है अच्छा यहाँ पे, ठीक है, तो कोशिश करेगा कि लिविंग ग्रुप को निकाले। अब लिविंग ग्रुप को कैसे निकालेगा, जब कार्बन की वैलेंसी को 5 कर देगा, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी जैसे ही 5 होगी तो कार्बन सोचेगा इसको धक्का दो, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है वैसे ही, तो जैसे ही कार्बन की वैलेंसी इसने 5 की, कार्बन ने धक्का दिया उसको, ठीक है, और RO- माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बारी तो थी, याद करने का तरीका, बारी तो थी C2H5OH की, पर उसका स्टेप खा गया ये, उसका स्टेप कौन खा गया, ये खा गया धक्का देने के चक्कर में, तो C2H5OH की बारी गई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि लेट पहुंचते हो बारी गई, अब ठीक है बच्चे खेलते हैं तो अभी तू लेट आया तेरी बारी गई, ठीक है, तो बस यही है, लेट हो गया थोड़ा सा तो बारी गई, ठीक है। अब बारी गई तो बारी किसकी आई है, एन ए की बारी आई है, ये एन ए की बारी आई, ठीक है, एन ए के बाद C2H5OH की बारी, फिर एन ए की बारी, फिर C2H5OH की बारी, पहले इलेक्ट्रॉन देना है कार्बन को और फिर देना है ऑक्सीजन को, कुछ नहीं करना, पहले इलेक्ट्रॉन देना कार्बन को, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेके आना, और उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पर कौन जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा, ठीक है। दूसरी बारी O की है इलेक्ट्रॉन लेने की, है ना, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेते ही, और O पे जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, समझ में आ गई। तो यही मैकेनिज्म है, बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा है समझाने में, ठीक है। देखिए अब देखिए आप लोग, अगर मान लीजिए इसकी जगह होता है एसिड हैलाइड, तो Cl है ना, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, ठीक है, और फिर Cl- बाहर, और सब कुछ सेम बाकी, क्लियर हो गई। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।